घर की रामलीला दशहरा स्पेशल। श्वश्रु जी। बोलो पुत्री। रामायण देखकर मन भाव विभोर हो गया है। अब ये पुलकित मन कुछ क्रीड़ाएं करना चाहता है, क्यों ना इसी क्षण से हम रामलीला का नाट्य रूपांतरण करें और हमारे निवास स्थान पर हर एक मनुष्य रामायण की चरित्रों का अभिनय करे। तुम्हारा ये श्रेष्ठ विचार हमारी आत्मा को अत्यंत प्रफुल्लित कर गया पुत्री। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र निभाऊंगी। और माताश्री, मैं श्री राम के अनुज लक्ष्मण का रोल। हे पुत्र, रोल नहीं भूमिका बोलो, भूमिका। इस विदेशी भाषा को उपयोग में लाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ माते। और मैं सुपरमैन से महान, बैटमैन से बलवान हनुमान, अर्थात हनुमान जी के चरित्र को निभाऊंगा। जय सियाराम। सुंदर, अति सुंदर। अब मैं रावण बनूंगी। आप पर जमेगा भी। बस उसी समय सब हो जाते हैं तैयार निभाने के लिए रामायण के किरदार। सब करना चाहते थे रामायण के संदेश का पालन, इसीलिए बने थे राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। माताश्री, सीता मैया कैसे मिलेंगी? ढूंढ ढूंढ के नयन थके हुए हैं, पांव चल नहीं पा रहे। आत्मा जी सटक ले। नहीं अनुज, जीवन एक परीक्षा है। ईश्वर ने हमसे सीता को दूर करके हमारी परीक्षा ली है। भ्राताश्री, हमको उस सोने के हिरण के पीछे जाना ही नहीं था। हे लक्ष्मण, हम सीता को ढूंढ ही लेंगे। जितना सरल ये कार्य प्रतीत होता है उतना सरल नहीं है भ्राताश्री। सीता मैया की व्हाट्सएप लोकेशन भी नहीं है हमारे पास। काश हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होता जिसकी सहायता से हम उन्हें ढूंढ पाते। जिनके पास हनुमान हो उसे हेलीकॉप्टर की क्या आवश्यकता। पर हनुमान जी अब तक आए क्यों नहीं? भूख लगी होगी उन्हें, तो चले गए होंगे सूरज वगैरह खाने के लिए। अरे वो देखो हनुमान जी। जय सियाराम। प्रणाम प्रभु। सीता मैया का पता चल गया, वो अशोक वाटिका में बैठी है लंका में। श्रीलंका के लिए तो पासपोर्ट बनेगा। नहीं लक्ष्मण भैया, नर और नील नाम के दो इंजीनियर मित्र हैं हमारे, उनसे कह के बड़े आराम से तू बनवा दिया है, हमारी पहुंच ऊपर तक है। हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुए हनुमान, कोई वर मांगो। एक दिन की छुट्टी चाहिए प्रभु, वो थोड़ा ऑफिस का काम है, तो अभी मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा और काम निपटाना पड़ेगा। जी जी हनुमान जी। जी ससुर जी, आप काम कर लीजिए। पर आप चिंता ना करें भगवान, मैं आपको लंका में जरूर मिलूंगा। हाँ हनुमान जी, आपको लंका जो जलानी है, थोड़ा समय का ध्यान रखेगा वरना लंका की आग पे पानी फिर जाएगा। घर में एक दो दिन के बाद होता है रावण और हनुमान का संवाद। ससुर है हनुमान, सास बनी है रावण, बहू और बेटे बने हैं सिपाही, गुस्से में है दशानंद। लंकेश, इस वानर ने पहले तो बग्या के फल खाए, फिर वाटिका उजाड़ दी, अब आपके लिए मिक्स फ्रूट जूस कैसे बनेगा? हाँ ये वानर बहुत नॉटी है। अरे नॉटी नहीं, चालाक बोलो। हाँ ये वानर बहुत चालाक है महाराज। अरे इतना हंसने की क्या आवश्यकता है, हमने कोई विनोद की बात तो की नहीं, कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। अरे मैं हसमुख हूँ वानर। हैं? लोग तो बोलते हैं कि तुम दशमुख हो। अब मैं वो भी हूँ। अब ये बताओ कि बगिया तुमने क्यों तोड़ी? तुमको ये नहीं पता कि पेड़ तोड़ना पाप है?
पाप तो किसी स्त्री का हरण करना भी है दशानन, तब तेरी अकल कहाँ गई थी? 10 सर हैं तेरे, एक की भी अकल काम ली होती तो ये सब नहीं होता। एक वानर का ये दुस्साहस कि वो लंकेश के सामने अपनी जीवा खोले? अभी हाथ खोल के एक रपटा मारूंगा तो 10 के 10 मुंह के गाल लाल हो जाएंगे। अब तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। तो क्या चॉकलेट दिलाऊं तुझे? तुम्हें पता भी है कि तुम किस महान योद्धा से बात कर रहे हो? नहीं पता, मैं योद्धा से बात कर रहा होता तो जरूर पता होता। अब तुम भरी सभा में मेरा अपमान कर रहे हो वानर। अरे जिसका कोई मान ही नहीं उसका अपमान कैसे करूंगा? बाबा क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी, बाबा क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। ए तुम लोग मेरी तरफ से खेल रहे हो या इसकी तरफ से? चुपचाप खड़े रहो वरना पगार काट लूंगा। हे दशानंद। हाय हनुमान। अरे मुराख, हेलो हाय करने नहीं आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हे दशानंद, अभी भी समय है, सीता मैया को श्री राम को लौटा दे और उनकी शरण में चला जा, वरना तेरे प्राण कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है क्या? किसी भी बात पे हंस देता है यार। मैं तो तुम्हारी बातों पे हंस रहा हूँ। तीनों लोगों में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे प्राणों को हानि पहुंचा सके। अभिमानी रावण, मैंने तुझे समझाया बुझाया पर तू नहीं माना, अब तुझे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये जो 10 सर लेके तू 10 का दम खेल रहा है ना, कटेगा सर, एक एक करके सर सारे कट जाएंगे। तूने अपनी बातों से मेरा दिल जलाया है वानर, अब हम तेरी पूंछ जला देंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि पूंछ में आग लगते ही बाथरूम की तरफ भाग जाना, ताकि नाटक भी पूरा हो जाए और आग भी बुझ जाए। रावण मुझ पे इतना ध्यान न दे, ज्यादा मुझको ज्ञान न दे। सैनिकों इसकी पूंछ में आग लगा दो। सैनिक पूंछ में आग लगाते हैं, ससुर जी बाथरूम की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में जलती पूंछ एक पर्दे से टकराती है और देखते ही देखते पर्दे में आग लग जाती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। सब पानी लाते हैं, इतने में बढ़ जाती है आग। बाहर धुआं देख के पड़ोसी भी जाते हैं भाग। जैसे तैसे आग तो खत्म हो जाती है, लेकिन घर में ही लंका दहन हो जाती है। हाय राम। अरे रावण होके राम का नाम ले रही हो? अरे बस भी करो, नौटंकी के चक्कर में घर में आग लग गई है। सॉरी माँ जी, ये मेरा आइडिया था, बनने चली थी राम, बिगड़ गए सारे काम। अरे कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना कि किसी बात का पालन करने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जय सिया राम हनुमान बने बिना भी बोला जा सकता है। अरे कोई बात नहीं, रामायण तो हम देख नहीं पाए, महाभारत जैसा कुछ करो तो जरूर बुलाना। हाहाहा